Welcome, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन द ट्रांसपोर्ट इन द वाटर प्लांट स्टडी कर रहे हैं कि वाटर में सॉरी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ओके क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। देखिए, क्योंकि प्लांट के अंदर बेसिकली कोई ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम तो पाया जाता नहीं है कि इसके थ्रू आपके लाइक जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ तो पाया जाता नहीं है, ठीक है, सॉरी प्लांट के अंदर तो ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता नहीं, तो उसमें ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू, और एक बार प्लांट की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है हमसे, तो वहाँ कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो बेसिकली ये टेबल है, इस टेबल में हमने जो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि कैसे डिफ्यूजन इसमें कहाँ कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, सैचुरेटेड हिल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एटीपी एनर्जी। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आपका डाउन हिल होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, देखिए डिफ्यूजन तो नॉर्मली चलता है, फैशन रैंडम फैशन चलता है, तो यहाँ कोई इसमें कोई जब तक सैचुरेशन नहीं होता, ठीक है, हाँ लेकिन फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कैरियर प्रोटीन पे डिपेंड करते हैं, तो दैट्स व्हाई इनका सैचुरेशन होने के चांसेस होते हैं। हाईली सिलेक्टिव जो कि सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो सिलेक्ट करती है कि किस आयंस को लेके जाना है और किसको नहीं लेके जाना, इवन मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सब जगह होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पिक्चर देखेंगे आपको समझ में जाएगा, जो पहला पिक्चर है इट शो द सिंपल डिफ्यूजन, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। या फिर देखेंगे आप चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चैनल के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है, चैनल है जिस उस चैनल के थ्रू आपके पार्टिकल्स बाहर निकल गए। यहाँ देखेंगे कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मतलब आपके पार्टिकल्स को कैरियर ने लिया, फिर आपके जो कैरियर है वो जस्ट उल्टे हो गए और पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया, ओके, या फिर मतलब आयंस को रिलीज कर दिया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जस्ट उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन के लिए कोई लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिविंग सिस्टम है वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वाटर जैसे देखिए आपको पता है कि हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। सो इट प्रोवाइड ए मीडियम इन विच मैक्सिमम सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद में ही वो सब अपनी प्रतिक्रियाएं शो करते हैं, ओके। लाइक हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन आप जो खाते हो उसमें 92% वाटर होता है। मोस्ट जो हर्बेसियस प्लांट हैं उसके अंदर हैव ओनली द 10-15% ऑफ फ्रेश वेट एज अ ड्राई मैटर, ठीक है। ड्राई मैटर का 10-15% प्लांट जो होता है उसका केवल वाटर का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन ए प्लांट वेरी करता है, वुडी पार्ट के अंदर आपका वाटर की क्वांटिटी कम होगी, सॉफ्ट पार्ट के अंदर ज्यादा होगी, ओके। इवन सीड जो आपको ड्राई लगता है इट ऑल्सो कंटेन सम वाटर, अदरवाइज अगर उसको वाटर नहीं देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जब सर्वाइव नहीं करेगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा, ठीक है। टेरेस्टर प्लांट टेक अप ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट टू द, हाँ ध्यान रखना बेटा वाटर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। हाई टेम्परेचर की वजह से जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना उसका 90% वाटर तो ट्रांसपिरेट हो जाता है, केवल कुछ परसेंट वाटर ही इनके पास बचता है, ओके। सो जैसे कि एग्जांपल के लिए एक मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 times ऑफ वाटर इन ए डे, 3 liter वाटर एक दिन के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है। व्हाइल ए मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ऑन वेट इन ए 5 hours, मतलब एक मस्टर्ड जो प्लांट है अपने वेट के बराबर का वाटर 5 घंटे के अंदर वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। Because of the high demand of water, it is not surprising that water is often a limiting factor for a plant growth and productivity in both agriculture and the natural environment. Okay, now the water potential. देखिए मैं water potential आपको normally समझाता हूँ, आपको समझना आसान होगा। Water potential क्या होता है कि जब किसी एक जो solute, एक solvent water है, एक pure water है, उसका potential क्या है? उसका potential क्या है? देखिए अगर आप एक normal tub लिया, उसके अंदर आप water आपने fill कर दिया, उसमें नॉर्मल प्योर वाटर है, तो जो प्योर वाटर है उसमें आपने इसको क्लोज कर दिया, अच्छे से पैक कर दिया, पैक करने के बाद में उस वाटर का कहीं मूवमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पोटेंशियल है, उसके काम करने की जो एनर्जी है वो जीरो होगी, क्योंकि उसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जस्ट काम कर रहा है, इसके अलावा उसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर आपने डाला है। सो वो हमें समझना क्यों जरूरी है वो भी ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल में आके आपको वो जीरो होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें सॉल्यूट डालेंगे,
सॉल्यूट डालेंगे, अब उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और सॉल्यूट डालते ही उस वाटर का पोटेंशियल जीरो से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। ठीक है, मैं एक प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई रहता है वो होता है जीरो, अंटिल अनलेस जब तक आप उस पर प्रेशर नहीं लगाते। जैसे ही आप उस पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे तो वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो वाटर पोटेंशियल है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक सॉल्यूट पोटेंशियल और एक है प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि अगर आपका फॉर एन एग्जाम्पल आप नॉर्मल वाटर की प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर में ना सॉल्यूट है ना प्रेशर है तो ऑटोमेटिक जीरो हो गया। हाँ, इनकेस अगर आपने सॉल्यूट डाल दिया उसके अंदर, लेकिन प्रेशर अगर आपका सॉल्यूट आपने डाल दिया, ठीक है, प्रेशर आपने जीरो रख दिया, तो उस केस में प्रेशर बिल्कुल जीरो लेकिन आप सॉल्यूट जीरो डाल दिए, तो उस केस में बेटा आपका जो वाटर पोटेंशियल है और सॉलिड पोटेंशियल उस केस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपने प्रेशर डालना अप्लाई किया और उसका सिस्टम आपने जनरेट कर दिया किसी दूसरे सिस्टम के साथ में, तो वैसे आपने प्रेशर डाला तो उसके वाटर पोटेंशियल जो होगा जीरो से बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने जो प्रेशर लगाया और उसकी वजह से ही, प्रेशर की वजह से ही जाइलम के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो सब यही लिखा हुआ है। तो इस जनरली हम जो वाटर पोटेंशियल होता है उसको हम जनरली डिनोट करते हैं पास्कल के थ्रू। ओके, कितना प्रेशर बेसिकली, कितना पास्कल है, कितना पोटेंशियल है, उसको हम पास्कल से थ्रू डिनोट करते हैं। ओके, सो ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर विल हैव अ ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। हाँ, अंटिल अनलेस जब तक कोई प्रेशर ना अप्लाई हो रहा, जैसे ही प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया उस वक्त उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो से प्लस की तरफ जाने लग जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें आप देखेंगे डिस्टिल वाटर के अंदर जीरो है, लेकिन जैसे ही अगर एक सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वाटर को जब वो एब्जॉर्ब करेगी कोई भी सेल, तो सेल के अंदर सॉलिड तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन सेल ने जस्ट स्टार्ट किया है, अब वो फिल कर रहा है फिल कर रहा है फिल कर रहा है, तो कोई प्रेशर तो सेल वॉल की तरफ लगाएगा नहीं, क्योंकि पहले फिल होगा जब लगाएगा प्रेशर, तो उस केस में आप सॉल्यूट बढ़ गया तो वाटर कम हो गया, वाटर कम हो गया तो सॉल्यूट पोटेंशियल आपका माइनस में चला गया, और लेकिन प्रेशर फिलहाल जीरो है, तो अब आपका क्या हुआ, जो एग्जैक्ट वाटर पोटेंशियल था माइनस में चला गया। अब वहां देखिए आप, सडनली क्या हुआ कि प्लांट सेल का प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो उस वक्त क्या हुआ, आपके प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, प्लस टू हो गई, वो तो माइनस में थी तो जीरो हो गया, लेकिन अगर प्रेशर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाए, प्लस थ्री हो जाए, तो उस वक्त आपका जो फाइव की वैल्यू होगी वो जीरो से ऊपर हो जाती है। जैसे कि हम ऑस्मोसिस समझते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वैसे प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेमी परमेबल, अगर आप डिस्कस करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट वुड बी बेटर इफ यू सेलेक्ट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन का जो काम करते हैं वो काम करती है बेटा एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ये बेसिकली बैरियर होते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस के लिए, क्योंकि प्लांट्स में जो आयंस का मूवमेंट होता है केवल इन्हीं दोनों मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ जाता है। ओके, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑस्मोटिक बैरियर होता है इनके थ्रू ही होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड जहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे एक साइड सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस में केवल वाटर का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता, तो दैट्स व्हाई सॉल्वेंट क्या होगा, ए से बी की तरफ पास होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दैट सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर, सो even like the net direction and the rate of osmosis depend karta hai pressure gradient and concentration gradient ke upar. ओके, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कहने का मतलब प्रेशर कितना है, क्योंकि अब एक साइड वाटर का प्रेशर ज्यादा है, एक साइड वाटर का प्रेशर कम है, उस पर डिपेंड करता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट का ये भी होता है कि आप फॉर एन एग्जाम्पल आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, आपने एक साइड प्रेशर बढ़ा दिया, अपोजिट प्रेशर लगा दिया, तो आपका ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है, सो डिपेंड दोनों पे करता है। ओके, ठीक है, तो हमने जस्ट बेसिक डिस्कस किया अबाउट द ऑस्मोसिस, अबाउट द डिफ्यूजन, अबाउट द channel which help in the facilitated mode, okay, of the transportation of molecules, as we discuss a basic thing about, okay, so ab hum aage chadenge aur maine concept ke sath mein, jab tak ghar pe rahiye, seekh rahiye, dhanyawad।